मैथ में बच्चों देखो एक्टिविटी नोटबुक वर्क, जिसमें आपको कलर द बी नियरर द फ्लावर, ठीक है, आपको ये देना है जो फ्लावर है ना, ये पिक्चर बनी हुई है, जिस पिक्चर के पास में फ्लावर है उसमें आपको कलर करना है, ठीक है। देखिए नीचे आइए, कलर दी चाइल्ड नियरर द टॉय, ठीक है, जो टॉय के पास में चाइल्ड है उस पे कलर करना है आपको। कलर द काइट नियरर द सन, जहाँ पे काइट बनी हुई है ना पास में, देखो सन के पास में जो काइट बनी हुई है उसमें आपको काइट में कलर करना है। आप देखिए रिवीजन वर्क, रिवीजन में राइट एंड लर्न नंबर नेम्स, आपको राइट भी करने यानी कि लिखना भी है और लर्न भी करना है, ठीक है। नंबर्स नेम देखो, नंबर पढ़े हुए हैं उसके नेम देखो, वन पढ़ा हुआ है नंबर, अब यहाँ पे लिखना है ओ एन ई ओ एन ई ओ एन ई वन। टू नंबर पढ़ा हुआ है टी डब्लू ओ टी डब्लू ओ टी डब्लू ओ। अब थ्री नंबर पढ़ा हुआ है टी एच आर डबल ई टी एच आर डबल ई टी एच आर डबल ई, ठीक है। अब फोर नंबर पढ़ा हुआ है आपको एफ ओ यू आर एफ ओ यू आर एफ ओ यू आर। अब फाइव नंबर पढ़ा हुआ है तो आपका एफ आई वी ई एफ आई वी ई एफ आई वी ई, ठीक है। अब देखो रिवीजन में री राइट एंड रीड काउंटिंग 1 to 20, ठीक है, आपको ये जो 1 से 20 तक काउंटिंग लिखी हुई है ना आपको अंडरलाइन करनी है, और इनको देख करके आपको ये कॉलम बने हुए हैं उस पर आपको लिखना भी है, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। अब देखिए री राइट एंड लर्न, ठीक है, आपको देखो ओ एन ई लिखा हुआ है और पिक्चर बनी हुई है, वन नंबर इधर पड़ा हुआ है देखो वन, फिर आपको उसके नेम लिखने हैं, ठीक है, नेम लिखने हैं आपको ओ एन ई। इधर देखो टू टी डब्लू ओ, थ्री टी एच आर डबल ई, फोर एफ ओ यू आर, फाइव एफ आई वी ई फाइव। अब देखो ये सेम वर्क ये आया आपका जो अभी बताया, 1 से 5 तक ओ एन ई वन बोला था आपको, 5 बार नंबर्स नेम लिखने हैं। अब देखिए रिवीजन में री राइट एंड रीड काउंटिंग 21 to 50 तक, ठीक है, आपको 50 तक काउंटिंग करनी है। अब देखिए री राइट एंड रीड काउंटिंग 1 to 20 आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है, ठीक है, और ये जो 1 से 20 तक जो लिखा हुआ है उस पर अंडरलाइन भी करनी है। अब देखिए राइट 51 to 100, अब आपको काउंटिंग लिखनी है 51 से 100 तक,
अब देखिए राइट 51 to 100 आपको नंबर लिखने हैं। 51 लिखा है आपको, 52 53 54 55 56 57 58 59 60, ठीक है। इसी तरीके आपको 100 तक लिखना है। देखो ये भी सेम ऐसा है आपका वर्क, जो अभी 51 से 100 तक लिखी थी आपने, वैसे ही आपको लिखना है। देखिए अब देखिए थिक एंड थिन, ठीक है। टिक द थिंग एंड क्रॉस द थिन, आपको थिक है उस पर आपको टिक लगाना है। थिक पे टिक लगाइए, थिन पे क्रॉस, इस पर आइए, थिक पे टिक, थिन पे क्रॉस, 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 थिक पे टिक, थिन पे क्रॉस। री राइट एंड रीड काउंटिंग 21 to 50, ठीक है। अब आपको देख करके काउंटिंग लिखनी है 1 to 50 तक। बच्चों देखो आपको राइट काउंटिंग 51 to 100 आपको लिखना है, पूरी करनी है आपको काउंटिंग। और देखिए राइट एंड रीड काउंटिंग 1 to 50 आपको 50 तक लिखनी है काउंटिंग।